Probability The chance of occurrence of anything is called probability. The chance of occurrence ऑफ़ एनी इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी वॉट डज इट मीन बाई इवेंट प्रॉबेबिलिटी जैसे अगर मैं कहूँ कि द चांस ऑफ माई विनिंग द गेम और लूजिंग द गेम इज फिफ्टी फिफ्टी तो ये यहाँ जो मैं फिफ्टी फिफ्टी कह रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी है या ये, ये भी कहा जा सकता है कि द चांस ऑफ माई पासिंग इन एग्ज़ामिनेशन इज़ नाइनटी फाइव परसेंट तो ये जो नाइन्टी फाइव परसेंट ये चांस है दैट इज़ इफ़ आई आई एम ओके हेल्दी एट दैट टाइम और मान लीजिए कुछ बीमारी हो गई तो नहीं भी पास हो सकते हैं अपीयर नहीं कर सकते हैं अदरवाइज नाइन्टी फाइव परसेंट ये चांस है कि पास हो जाएंगे तो द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज़ नोन एज प्रॉबिबिलिटी वॉट डज़ इट मीन event event? ka का क्या मतलब होता है if some experiment is done, if some <coughs> trial, ट्रायल का मतलब है जैसे सिक्का उछाल दिया या डाइस फेंक दी या drawing ए कार्ड from ए डेक ऑफ कार्ड कुछ भी कर सकते हैं ट्रायल या एक्सपेरिमेंट If some experiment is done, then what is the outcome? jo outcome hai whatever is the outcome, उसे क्या कहेंगे? Is called event. तो उसको कहेंगे कि कुछ भी outcome हो सकता है। तो अब ज़्यादा देखिए कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट कुछ भी वाट एवर इज़ द आउटकम तो उसे इवेंट कहेंगे व्हाट एवर इज कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो वाट एवर इज देयर जो भी होता है मान लीजिए कुछ भी आप होता है वाट एवर इज द रिजल्ट उसका कुछ न कुछ रिजल्ट होगा ना सो दैट इज कॉल्ड आउटकम उसे क्या कहेंगे आउटकम उसे कहेंगे आउटकम मान लीजिए अभी मैंने अभी आउटकम की डेफिनेशन बताई है इवेंट की नहीं बताई है जैसे कि अगर अनुराग आप ये सोचते हो कि मैंने डाइस फेंकी है और टू आ जाए तो मैं होम में चला जाऊं तो आपने डाइस फेंकी जो आ रहा है वो आउटकम है और अगर मान लीजिए टू आ गया तो आप कहेंगे कि इवेंट है इज़ मैं, मैंने जो सोचा था वो हो गया और अगर मान लो फाइव आ गया थ्री आ गया वन आ गया तो कहेंगे इवेंट हैज नॉट अकर्ड तो जैसे इफ डाइस इज थ्रोन एक पासा फेंका गया इस थ्रोन एंड ठीक है थ्रोन एंड आई हैव एज्यूम्ड आई हैव फेवरेबल कोई जैसे मेरी इवेंट है तो कुछ भी होने आई हैव एज्यूम्डें नहीं आई हैव प्रिफर्ड फॉर टू में मेरा कहने का मतलब है कि मैंने टू के लिए प्रीफर किया था एंड फाइव कम्स तो जो पाँच आया है वो पाँच क्या है दैन फाइव इज़ आउटकम तो फाइव क्या हो गया बताओ जो भी आता है उसे क्या कहते हैं देन इट इज़ आउटकम जैसे मान लो आपने कार्ड निकाला तो कार्ड निकालने में किंग भी आ सकता है क्वीन भी आ सकता है टू भी आ सकता है टेन भी आ सकता है कार्ड के पैक में तो कुछ भी होता है तो अगर आपने जो सोचा है नहीं अभी नहीं अब देन देन इट इज कॉल्ड आउटकम अब आगे देखो इवेंट की डेफिनेशन बताना है। इफ आउटकम इज सेम एज द इफ आउटकम इज द सेम एज दम्पन देन इट इज कॉल्ड दैट इवेंट हैज अकर्ड यदि जो आउटकम आया है अगर इफ इट इट रिजेंबल्स विद दैट आवर फेवरेबल आउटकम आपका कुछ ना कुछ तो फेवरेबल आउटकम होगा ना आप पासा फेंकते हो तो मन में कुछ होता है कि ना कि सिक्स आ जाए मेरी गोटी खुल जाए या वन आ जाए तो खुल जाए ऐसा कुछ होता है कि नहीं सो so, अब देखिए ये तो ये तो आउटकम हो गया इफ आउटकम इफ आउटकम रिजेंबल्स मिलता जुलता है विद फेवरेबल आउटकम देन इट इज सेड दैट इवेंट हैज अकर्ड इवेंट हो गई है अकर्ड अदरवाइज नॉट ऊपर तो वाले केस में इवेंट टक्कर हुई है कि नहीं हमने टू प्रिफर किया था हमारा फेवरेबल आउटकम टू था तो और आ गया फाइव तो इस केस में क्या हुआ हाँ तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एज आउटकम डज नॉट रिजेंबल विद द फेवरेबल आउटकम सो इट इट इज सेड दैट इवेंट हैज़ नॉट अकर्ड तो ये कहा जाएगा डेफिनीशन में कि द फेवरेबल आउटकम ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट इवेंट की डेफिनीशन बोलो क्या हुई फेवरेबल आउटकम ठीक है ड्यूरिंग अ ट्रायल कोई भी ट्रायल करो सिक्का उछालो या कुछ भी इज कॉल्ड एन इवेंट जो आपने फेवर करके रखा है सो फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है मान लीजिए वाइल ड्राइंग ए कार्ड अगर आपके मन में आ गया कि किंग आ जाए सो किंग मे बी योर फेवरेबल आउटकम तो समझ में आया अगर आप किंग सोच कर बैठे हो किंग आने से मैं जीत जाऊंगा तो वही इवेंट कही जाएगी अब किंग आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है किंग आ गया तो मैं कह दूँगा कि इवेंट अक्कर हो गई है और अगर नहीं आया तो कहा जाएगा इवेंट हैज नॉट कब कार्ड जैसे एग्जाम्पल इफ माई फेवरेबल आउटकम ड्यूरिंग ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम डेप ऑफ कार्ड्स ड्रॉइंग अ कार्ड और वो जो कार्ड आपको निकालना है वो रेंडमली निकालना है उसमें कोई फाउल प्ले नहीं करना है अनफेयर रेंडमली so, निकालना है सो so, रेंडमली मतलब ऐसे ही बस निकाल लिया सो ड्राॅइंग ए कार्ड रेंडमली इफ़ माई फेवरेबल आउटकम ड्यूरिंग ड्राइंग ए कार्ड रेंडमली फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स डेक भी कहते हैं और पैक भी कहते हैं पैक ऑफ कार्ड तो मैं निकालना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग ड्रॉइंग ए कार्ड इज किंग अगर मैं किंग निकालना चाहता हूं देन और वही मेरी फेवरेबल आउटकम है सो कमिंग ऑफ किंग विल बी कॉल्ड एज इवेंट देन कमिंग ऑफ किंग इसे क्या कहा जाएगा बताओ इट इज कॉल्ड इवेंट इवेंट इज डिनोटेड बाई event is denoted by ई ई एफ मान लीजिए अनुराग ने सोचा कि सब लोग एक एक कार्ड निकालने डेक ऑफ कार्ड सेम है लेकिन सबसे का एक एक निकालो तो अब अनुराग ने सोच लिया कि ई इवेंट कमिंग ऑफ किंग कमिंग ऑफ किंग लेकिन पवन ने सोच लिया पवन ने सोच लिया मुझे तो बेगम चाहिए आपने बादशाह सोचा उसने सोचा क्वीन आ जाए तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम कौन सा है बताइए कमिंग ऑफ क्वीन और, और मान लीजिए माही ने सोच लिया कि मेरे लिए जैक आ जाए गुलाम आ जाए तो बादशाह बेगम गुलाम तो कमिंग ऑफ जैक तो जैक का जोकर भी इसको कहते हैं तो सबके लिए अलग अलग इवेंट भी हो सकती है तो जो भी है अब मान लीजिए कार्ड आपने निकाला अनुराग ने कुछ और आ गया तो इवेंट अकर कर भी सकती है ड्यूरिंग ए ट्रायल इवेंट मे अकर और इवेंट मे नॉट अकर ऐसा हो सकता है ना कि हमेशा किंग अगर सोचोगे तो आ ही जाएगा क्या ऐसा होता है क्या सो so, ड्यूरिंग ए ट्रायल तो ट्रायल जैसे क्या क्या हो सकते हैं ट्रायल्स आर दोज एक्सपेरिमेंट दोज एक्सपेरिमेंट्स विच हैज मोर देन वन आउटकम जिसमें मोर देन वन आउटकम हो तब उसे ट्रायल कहेंगे तब कहेंगे ट्रायल है। जैसे मान लीजिए कि प्रार्थना के बैग में सिर्फ मैथ की ही बुक है अब वो कहेगी देखना देखना मैं बैग में हाथ डालती हूँ देखना मैथ की बुक निकलेगी तो इसे ट्रायल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा नो तब नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके बैग में मैथ की बुक है या किसी अर्न में किसी झोले में सारी ब्लैक बॉल है कोई दूसरे कलर की है ही नहीं और आप ये कहो कि देखना मैं इस अर्न में इस झोले में हाथ डालूंगा देखना ब्लैक ही बॉल निकलेगी तो विल इट बी काल ट्रायल और नॉट तब तो ट्रायल नहीं कहा जाएगा आप आपने तो कोई दूसरा उसमें रखी ही नहीं है बॉल अगर डिफरेंट कलर की हो चाहे एक ही अलग कलर की क्यों ना हो जाए तब कह सकते हो कि यस इट इज़ नाउ ट्रायल तो मान लीजिए बहुत सारी का, सारी बॉल ब्लैक कलर की हैं और चाहे एक ही बॉल ऐसी हो तब उसका भी चांस होगा निकलने का मान लीजिए एक रेड कलर की बॉल हो गई तो हम कहेंगे तब ट्रायल हो जाएगा ठीक है है ये है। ये चीज हो जाएगी देन इट इज ट्रायल अब जरा देखो सो so, ट्रायल क्या क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल्स क्या टॉसिंग ऑफ कॉइन ट्रायल हो सकता है yes, sir. क्योंकि इसमें दो आउटकम है इसी तरीके से थ्रोइंग ऑफ हा थ्रोइंग ऑफ डाइस हो सकता है डाइस तो अगर मैंने डाइस थ्रो कर दी देन इट इज अगेन हैविंग सम नंबर ऑफ आउटकम इसी तरीके से आप ड्रॉइंग ए कार्ड वो हो सकता है फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड तो ये सब ट्रायल हो सकते हैं तो आपको आउटकम का मतलब समझ में आ गया ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट वॉट एवर कम्स दैट इज कॉल्ड एन आउटकम आउटकम की क्या डेफिनीशन है एक्सपेरिमेंट में जो भी आया है उसे क्या कहा जाएगा ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट और यदि आउटकम आपके फेवरेबल आउटकम से रिजेंबल हो गया तब क्या कहा जाएगा हाँ कि इवेंट हैज अकर्ड कि जो हम सोच रहे थे वो हो गया तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट मान लीजिए आपने एक कार्ड निकाला और वो टू आ गया और आप सोच कर बैठे थे कि किंग आ जाए तो किंग नहीं आया तो आप क्या बोलोगे कि इवेंट हैज़ नॉट अकर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट वॉट एवर कम्स जो भी आता है इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड आउटकम तो उसे आउटकम कहेंगे यस दैट इज कॉल्ड आउटकम ओके नाउ यह तो बात हो गई और यह भी मैंने बता दिया कि आउटकम जब रिजेंबल होगा तो उसको कहेंगे कि इवेंट हैज अट प्रबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड बाई ई प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड बाई पी ई अगर ई e है इवेंट तो पी ई -E. अगर आपने एफ मान रखा है तो पी एफ -E. वरना पी जी या पी एच ज़्यादा हैं तो।, तो अलग अलग कई खिलाड़ी खेल रहे हैं तो पी ई पी वी ऐसे हो सकता है ना अब जरा देखो कि ये जो अप्रोच है द दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली बाई ब्लेस पास्कल एंड पियरे डी फॉर्मैट तो ये दोनों लोग इन इनकी अपनी स्टोरी है कि ये लोग क्या करते थे कि किसी बार में जा कर शराब पीते थे तो वहाँ देखते थे कि एक डाइस फेंकने वाला है और वो दो डाइस फेंक रहा है और वो कहता है उन दोनों डाइस में अगर उन दोनों का सम साथ से ऊपर आ जाए तो पैसा तुम्हारा और साथ से नीचे आ जाए तो पैसा हमारा और वो शाम तक खेलता रहता था और शाम को ढेर सारी रकम बटोर के चला जाता था ये लोग चक्कर में पड़ गए कि ये कैसे ट्रिक कर रहा है तो इन लोगों ने एक ऐसी ब्रांच बनाई मिलके इन दोनों की फ़ोटो दी हुई है आपकी बुक में तो प्रोबेबिलिटी किसने इंट्रोड्यूस की एक तो ब्लेस पासकल ने इंट्रोड्यूस की और दूसरी पियरे डी फॉर्मेट तो जो फॉर्मेट है ये फिजिसिस्ट हैं बहुत बड़े और ब्लेस पासकल भी फिजिक्स के बहुत बड़े वो हैं ना सिर्फ ये फिजिसिस्ट हैं फिलॉसफ़र भी हैं और साथ में मैथमेटिशियन भी हैं तो गैम्बलिंग के क, खेल में इन्होंने ये बात देखी अब ज़रा देखो कि ये तो हमने देख ली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड बाय पी अब जरा देखो कि अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालें? कि हमारा सिलेबस जो है क्लास नाइन इसमें अभी जो हम पढ़ रहे हैं सो so, हम स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटीज आर ऑफ मैनी टाइप्स सो प्रोबेबिलिटीज आर ऑफ मैनी टाइप्स इन्होंने जो इंट्रोड्यूस की थी तो पहले अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ में दी गई है नाइन्थ में है स्टेटिस्टिकल स्टिकल प्रोबेबिलिटी जिसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा टेंथ में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको एम्पीरियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं ये टेंथ में पढ़ जाएंगे एम्पीरियल प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही इलेवेंथ में जाएंगे तो पढ़ेंगे एक्जियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले ये ब्रांच ही नहीं थी लेकिन जैसे आई तो इसका सब जगह यूज़ होने लगा अप्रोच ऑफ प्रॉबिलिटी सो और उसके बाद जब ट्वेल्थ में जाएंगे तो रिवर्स प्रॉबिलिटी और ट्वेल्थ में रिवर्स प्रोबेबिलिटी। खैर हमारे मतलब की है स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ये जरा देखें व्हाट इज स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी? दैट इज प्रॉबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किसी घटना के होने की प्रायिकता प्रॉबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू आपने कितने ट्रायल किए मान लीजिए आपने पचास बार सिक्का फेंका तो नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और उसमें ट्वेंटी थ्री टाइम्स हेड आया तो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज़ अकर्ड इवेंट कितनी बार अकर्ड की है इवेंट हैज़ अकर्ड मान लीजिए मैंने एक इवेंट मानी तो ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ क्वाइन ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ क्वाइन एक जो प्लेयर है वो मान रहा है इवेंट की कमिंग ऑफ हेड और कमिंग ऑफ हेड मान रहा है और इफ इज टॉस्ड हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड टाइम्स अगर क्वाइन टॉस किया गया है एंड फोर्टी एट टाइम्स हेड अकर्ड हेड ड एंड 52 टू टाइम्स फिफ्टी टू टाइम्स टेल अकर्ड तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी लिख दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ हेड पी भी लिख सकते हो या लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो ये दोनों एक ही चीजें ठीक है सो दैट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बताओ टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नीचे लिखोगे कितने ट्रायल किए आपने क्या आपने टोटल हं, हंड्रेड किए और ये बताइए कि उसमें हेड कितने टाइम्स आया फोर्टी एट न फोर्टी एट टाइम्स हेड आया और टेल कितने टाइम आया तो जितनी टाइम्स आया है वही देखा जाएगा तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी मान ली जाएगी जीरो पॉइंट फोर एट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ इन टू हंड्रेड कुछ नहीं होगा प्रोबेबिलिटी जो भी होगी ये आ, डेसिमल में आती है इट ऑलवेज कम्स इन डेसिमल तो टेल के आने की बताओ तो कितने ट्रायल किए आपने टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बोलो सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे लिखो और नंबर ऑफ टाइम्स टेल हैज अकर्ड टेल अकर्ड तो दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्ड है तो फिफ्टी टू और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हंड्रेड तो बताइए टेल की कितनी हो गई फाइव टू ज़ीरो पॉइंट फाइव टू समझ में आ गई बात आपको तो ये तो बात हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ठीक है तो ये हमारा फार्मूला हो गया और इसी फार्मूले पे पूरा चैप्टर चलेगा क्या फार्मूला हो गया एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट experiment से जो आएगा हम उससे देखेंगे हमें अपने मतलब से नहीं है जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला था फिफ्टी फिफ्टी चांस है, वो टेंथ में हम पढ़ेंगे अभी नहीं अभी तो हमें एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि जितनी बार आया उसे काउंट करेंगे मान लीजिए ये तो ये तो बात हो गई कि आ, कितनी बार आया जैसे कि ऐसा हो अच्छा अच्छा ठीक है देखो कि ऐसा हो सकता है कि मान लो कि फ आ डाइस एक पासा फेंका गया इस थ्रोन ठीक है और हमने इवेंट मान ली है कि कमिंग ऑफ टू मैं टू मान के बैठा हूं डाइस इस थ्रोन अगर मान लो फिफ्टी टाइम्स की गई है फिफ्टी टाइम्स डाइस थ्रो कर दी गई है अब फिफ्टी टाइम्स में जब डाइस थ्रो की गई है तो कौन कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसका टेबल उन्होंने दे दिया वो नोट करते गए एक बार फिर का दूसरी बार फिर टैली मार्क्स बना लिए और इस तरीके से फिर आ, जो जो चीज आई है उसको नोट करते गए सो नंबर अपियर्ड नंबर अपियर्ड ठीक है और कितने टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स अपियर्ड ठीक है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो मान लीजिए वन अकर किया तो वन फाइव टाइम्स अकर किया टू टेन टाइम्स अकर किया थ्री तो पंद्रह तो यही हो गए तो मान लीजिए ट्वेल्व टाइम्स अकर किया फोर फोर टेन टाइम्स अकर किया फ़ाइव तो फाइव एट टाइम्स अकर किया तो देखिए दस बीस तीस चालीस पैंतालीस हो गए और सिक्स फाइव टाइम्स कर दिया ऐसे कर दिया तो ये सब नंबर अपीयर हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू क्या हो सकता है दो के आने की प्रोबेबिलिटी तो नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे लिखिए ठीक है।, है और यहाँ टोटल कितना आ गया अगर आप टोटल करो तो इन सबको टोटल करने से कितना आ रहा है बताइए फिफ्टी आ जाएगा क्योंकि फिफ्टी बार फेंका गया तो फिफ्टी आना ही है ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी अच्छा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स तो बताओ टू कितनी बार अपियर किया होगा हाँ तो टेन बाई फिफ्टी तो टू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बताइए जी अब वन जीरो जीरो काट दो वन बाई फाइव देखो वन बाई फाइव है वन बाई फाइव को क्या कहोगे फाइव से वन में डिवाइड करो ठीक है सही आपने बताया अच्छा एक इसमें कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक प्लेयर की प्रोबेबिलिटी लेस देन सेवन आ जाए वो कह रहा है साथ से कम आ जाए तो मेरी बात बन जाए तो बोलो क्या उसकी इच्छा पूरी होगी कि कभी नहीं होगी तो जैसे आपने बता अच्छा हो जाएगी सा, ह, हमेशा साथ से कम ही आएगा क्या बोलो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड तो उसकी इवेंट तो सेवन से कम आना है तो इवेंट अकर्ड तो मान लीजिए अगर फिफ्टी टाइम्स ट्रायल किया जाए तो कितनी बार उसकी इच्छा पूरी होगी सारे टाइम तो फिफ्टी पचास के पचास बार उसकी इच्छा पूरी हुई चाहे वन आए चाहे टू आए चाहे थ्री आए तो हर बार सेवन से तो कम ही आया तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई वन तो इफ द प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज वन देन सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट श्योर इवेंट क्या होती है श्योर sure इवेंट का मतलब है कि अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए जैसे तुम मन में सोच के बैठो कि अगर देखो वन आ जाए तो मैं अपनी गोटी निकाल लू टू आ जाए तो उसकी गोटी पीट दू थ्रीन आ जाए तो उसकी पीट दूं फोर आ जाए तो होम पे चले जाए फाइव आ जाए तो सेफ हो जाए सिक्स आ जाए तो यहाँ चले जाए सेवन कम आ जाए तो मेरी बात बन जाए तुम बहुत सारे मल्टीपल इवेंट सोच के बैठी हो कि कुछ भी आ जाए मेरी बात तो बननी ही बननी है तो क्या तुम्हारी इच्छा पूरी होगी सो इफ यू आर हैविंग ए फेवरेबल आउटकम लेस देन सेवन तुम सोचो सेवन कम आ जाए तो यही मेरी इच्छा है तो आ, बोलो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी हाँ तो सेवन से कम की बात कर रहा हूँ ना लेस देन सेवन तो ये क्या सारे नंबर सेवन से कम नहीं है वन आ गई तो क्या आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्या वन सेवन से कम नहीं है टू सेवन से कम नहीं है कोई भी नंबर जो डाइस पे है वो तो सेवन से कम ही है तो बताओ आपकी इच्छा कब पूरी नहीं हुई हाँ बोलो यही फार्मूला इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है यही लिखो सब में तभी ठीक है और पी ई लिख दो ई में नहीं वो ना लिखो ये इवेंट अ लिखो ये अच्छा यही फार्मूला चलता है पूरे चैप्टर में अच्छा श्योर इवेंट क्या होती है तो बोलो सेवन से कम का सोचना अगर हमारी फेवरेबल इवेंट लेस देन सेवन है तो क्या मैं मेरी इवेंट श्योर है वो डेड डेड श्योर है आएगी अच्छा अगर आप ये सोच के बैठे हो कि टॉस टौ, कर रहे हो कॉइन और सोचो हेड या टेल आ जाए तो बात बन जाए तो बोलो आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी हमेशा ही होगी क्योंकि हेड और टेल के अलावा कुछ और आएगा नहीं सो द इवेंट विच ऑलवेज अकर्स द इवेंट विच ऑलवेज अकर्स ऑलवेज करस इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे श्योर इवेंट श्योर इवेंट एंड प्रॉबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है हाँ ऑफ श्योर इवेंट इज वन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि इफ कमिंग ऑफ हेड और टेल इज डिजायरेबल सो कमिंग ऑफ हेड और टेल ड्यूरिंग टॉसिंग ए क्वाइन इज ए श्योर इवेंट इफ अ पर्सन डिजायर्स हैड और टेल हैड कहते हेड आ जाए या टेल आ जाए मेरा तो बात बनना ही है देन ड्यूरिंग टॉसिंग ए क्वाइन ज इवेंट इज श्योर इवेंट इवेंट इज श्योर इवेंट एक होती है श्योर sure इवेंट और दूसरी होती है इम्पॉसिबल इवेंट सो इम्पॉसिबल इवेंट द इवेंट विच नेवर अकर्स अगर मान लो कोई एक आ जाए कह दे अगर छ से ऊपर आ जाता मैं होम पे चला जाता देखो छ ही आया वो वो सात सेवन पॉइंट दूर था सात घर दूर था लूडो में होम से कह रहा सात आ जाता तो बात बन जाती सात आया ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी मोर देन सिक्स तो अगर ऊपर वाला ही टेबल देखें तो हमने पचास बार ट्रायल किया तो बोलो कितनी बार मोर देन सिक्स आया हाँ सो मोर देन सिक्स तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड तो इवेंट कितनी बार हुई हुई नहीं अकर्ड तो जीरो बार हुई और फिफ्टी टाइम्स हमने ट्रायल कर लिया सिक्स से ऊपर होता ही नहीं है तो इसलिए ये जीरो है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो द इवेंट विच नेवर अकर्स मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और उसमें दिव्या ये सोचे पाकिस्तान हार जाए तो मज़ा आ जाए तो बोलो पाकिस्तान हार सकता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के गेम में बोलो जब पाकिस्तान खेल ही नहीं रहा है तो हार कैसे जाएगा तो ये इवेंट कभी अकर्ड नहीं कर सकती तो इस इवेंट को क्या कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट आपने टॉस किया क्वाइन और अगर आप सोच रहे हो कि छ आ जाए तो मजा आ जाए तो क्या आप एक कॉइन को टॉस करोगे सिक्स आ जाएगा तो ये इम्पॉसिबल जो कभी हो ही नहीं सकती है उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे द इवेंट विच नेवर अकर्स अगर किसी अर्न में ब्लैक एंड रेड बॉल है अब ब्लैक और रेड बॉल है और तुम कह दो तो येलो बॉल निकल आए तो मजा आ जाए तो येलो निकल पाएगी जब है ही नहीं तो उसमें सो तो इस तरीके से द इवेंट च नेवर अकर्स ड्यूरिंग अ ट्रायल एक ट्रायल में अगर जो इवेंट कभी हो ही ना देन इट इज कॉल्ड इसको क्या कहेंगे इम्पॉसिबलिबल इम्पॉसिबल इवेंट इट्स प्रॉबेबिलिटी इज जीरो तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है और ये कभी भी नहीं हो सकती है ये इवेंट इस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे जैसे कि वांटिंग सिक्स नंबर ड्यूरिंग या ये कह सकते हैं वॉन्टिंग टेल ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस तो डाइस में क्या टेल होता है जो उसमें सैंपल पॉइंट ही नहीं है तो वो आ कैसे सकता है तो इसलिए ये चीज हो गई ठीक है कि नहीं अब देखो कि कुछ और चीजें देखें सैंपल पॉइंट क्या होता है List of all outcomes in and in a trial is called sample point. List of all outcomes. List of all outcomes <clears throat> during a trial is called sample point. मान लीजिए कि ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस आपने डाइस फेक फेंकी है तो सैंपल पॉइंट को एस से डिनोट करते हैं इसको एस से डिनोट करते हैं तो क्या क्या आ सकता है क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसको क्या कहते हैं सैंपल पॉइंट्स तो आपकी इवेंट इसी में से ही होनी चाहिए अगर इसके बाहर है तो फिर वो इम्पॉसिबल इवेंट होगी और अगर आपने एक ऐसी इवेंट मान रखी जो सबको कवर कर ले जैसे लेस देन सेवन तब आपकी इवेंट श्योर इवेंट हो जाएगी और अगर इसके बाहर चले गए तो कैसी हो जाएगी इम्पॉसिबल इवेंट मान लो आप ये सोचो सेवन हाँ तो इसको कवर करना चाहिए ये सिंपल पॉइंट है ऐसे ही ड्यूरिंग टॉसिंग ए कॉइन टॉसिंग ऑफ कॉइन अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में जो सैंपल पॉइंट है वो दो चीज हो सकती है या हेड हो सकती है और या टेल ये जो भी सैंपल पॉइंट्स हैं उनको स, ये सब सैंपल ये सब सैंपल पॉइंट हैं हेड एंड टेल क्या हो गए बताइए सैंपल पॉइंट हो गए और जो लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स ड्यूरिंग ए ट्रायल दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस और इंडिविजुअल इवेंट को सैंपल पॉइंट कहेंगे इसे ठीक कर लो सैंपल स्पेस जो जो सारी इवेंट हो रही हैं उन्हें क्या कहेंगे सैंपल स्पेस और हर ईच इंडिविजुअल और ईच इंडिविजुअल इवेंट को क्या कहेंगे सैंपल पॉइंट एक इवेंट को क्या कहेंगे सैंपल पॉइंट अच्छा डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड कैप्ट इन करली ब्रैकेट डिफरेंट सैपल ये सैंपल स्पेस है इसका नाम क्या है सैंपल लिस्ट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट इस सैंपल स्पेस डिफरेंट सैंपल पॉइंट सेपरेटेड बाई कॉमा एंड कैप्टिन करली ब्रैकेट तो उसको करली ब्रैकेट में रखेंगे ऐसा होता है नाउ ये तो बात हो गई सैंपल स्पेस अब जरा देखो देयर आर टू टाइम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट या ट्रायल्स एक होता है कि रैंडम ट्रायल और एक होता है बायस्ड ट्रायल ट्रायल भी बोल सकते हो या एक्सपेरिमेंट अगर मान लीजिए आप किसी से कह रहे हो कि देखना देखना मैं काली बॉल आएगी और काली बॉल आने के लिए आप उसी में झुक के देखे जा रहे हो बैग में ही तो अगर मान लो आपने कुछ अनफाउल काम कर दिया आप उसको झुक झुक के देख रहे हो तो बोलो आपका एक्सपेरिमेंट रेंडम कहा जा, कहा जाएगा कि बायस्ड बायस्ड मान लीजिए माँ के हाथ में एक बड़ा लड्डू एक छोटा लड्डू है और उसका बेटा भी आ गया दोस्त भी आ गया तो माँ अपने बेटे को बड़ा ही लड्डू दे रही है चाहे हाथ घुमा के देना पड़े कहे लो बेटा बड़ा लड्डू खाओ तो क्या ये बायसिंग है क्या ये पक्षपात है कि ये रेंडम है नहीं तो जो लड्डू जैसे था दे देती सिंपली तो बायस्ड है तो रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि ड्यूरिंग ए ट्रायल इफ का, इफ आउटकम इज़ नॉट नोन इन एडवांस अगर पहले से पता ना हो कि क्या आउटकम है ड्यूरिंग अ ट्रायल तो ऐसी स्थिति में हम उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे नाउ इन दैट द ट्रायल इज कॉल्ड रैंडम फिर वो रैंडम ट्रायल कहा जाएगा नाउ देखिए ड्यूरिंग अ ट्रायल इफ नो फाउल मींस फाउल तो समझते हो ना फाउल मीन्स या अनफेयर मीन्स अनफेयर मीन्स आर यूज एंड आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस और यह भी नहीं पता लगाया जा सकता कि क्या आने वाला है तो एंड आउटकम कैन नॉट बी मान लीजिए आप कह रहे हो कि देखना ब्लैक बॉल आएगी आप देख तो नहीं रहे लेकिन ब्लैक बॉल रखी है वो बड़ी बड़ी रख दी है तो आप छू के पता लगा लोगे अरे ये बड़ी वाली ब्लैक है यही निकालो तो बोलो आपने चीटिंग की कि नहीं आउटकम को प्रेडिक्ट भी नहीं है ना किया जा सके कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस पहले से उसकी भविष्यवाणी ना की जा सके प्रेडिक्टेड इन एडवांस ना कोई फाउल मीन यूज हो और ना ही आ, हम आउटकम को पहले से प्रेडिक्ट कर सकें देन द एक्सपेरिमेंट इस कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट अब जैसे बायस्ड एक्सपेरिमेंट तो बायस्ड एक्सपेरिमेंट बहुत सारी पार्टी के लोग होते हैं चाहे बीजेपी या कांग्रेस के लोग वो बैस्ड बात करते हैं अपनी पार्टी के पक्ष में बात करते हैं जब शकुनी पासा फेंकता था तो शकुनी के पासे में नीचे कॉपर लगा था तो वो कॉपर लगा होने की वजह से और ऊपर था हल्की लकड़ी तो जब भी ये हवा में तैरता हुआ नीचे गिरता था तो ऊपर उसके हमेशा सिक्स होता था तो नीचे तो उसने कॉपर लगा रखा था तो मेटल नीचे गिरेगा कि नहीं और ऊपर से सबको एक जैसा कलर कर रखा था तो क्या उसका एक्सपेरिमेंट वाइस्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा कि रेंडम एक्सपेरिमेंट तो बाइस्ड कहा जाएगा इफ सम अनफेयर मीन इज यूज ड्यूरिंग ट्रायल सो दैट आउटकम इज इन फेवर ऑफ द प्लेयर सो दैट आउटकम इज इन फेवर फेवर में लाने के लिए देन इट इज कॉल्ड बायस्ड एक्सपेरिमेंट तो उसको पक्षपात वाला एक्सपेरिमेंट कहेंगे पक्षपात यानी उसने जो है कुछ ना कुछ चीटिंग की है पक्षपात किया जैसे अगर कोई आउट हो जाए और कह दे कि ये विकेट तो हवा से गिरा है ऐसे नहीं गिराए बैट से तो फिर तो वो चीटिंग हो गई ना तो अब जरा देखो नाउ अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल वन में एग्जाम्पल वन पे आइए तो पेज नंबर 277 277 पेज में पहला क्वेश्चन क्या है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी एक कॉइन को टॉस किया 1000 टाइम्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है हेड आया 455 टाइम्स और टेल कितनी बार आया 545 टाइम्स दोनों को टोटल कर लो ये 1000 आएगा तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी निकालो और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो पी लिख के हेड लिख दो पी लिख के टेल लिख दो चल जाएगा नहीं तो ई e लिखोगे तो पहले ई e लिख दो तो कमिंग ऑफ हेड और फिर एफ लिखो कमिंग ऑफ टेल दो तरीके से किया जा सकता है ई एफ जी एच ई एफ जी एच ले सकते हो बस तो ई e इसमें है कमिंग ऑफ हेड और एफ क्या है कमिंग ऑफ टेल तो पहले तो ये करके दिखा रहे हैं फिर दूसरी तरीके से तो अब यहाँ लिखो पी ई -E. जो पी ई ना लिखना चाहे वो पी हेड लिख दे तो भी बात चल जाएगी और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल <coughs> नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ टेल्स बुक में तो ऐसे ही लिख दिया नंबर ऑफ टेल्स नहीं तो ये लिखा जाएगा नंबर ऑफ़ टाइम्स टेल अकर्ड ऐसे लिखा जाएगा चलो जो है तो ऐसे लिख दिया कि नंबर ऑफ टेल कितनी बार आए हैं टेल नहीं हेड लिखो क्योंकि हम किसका कर रहे हैं हेड का कर रहे हैं तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा हेड की हेड कितनी बार आया नंबर ऑफ़ हेड या नंबर ऑफ़ टाइम्स हेड हैज़ अकर्ड तो टोटल कितने ट्रायल किए गए थाउजेंड उसमें देखो कितनी बार है नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज़ अकर्ड फार्मूला पूरा यही है ये नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच इवेंट है ये है ये स्टैंडर्ड फार्मूला ये हर जगह यही लिखना है ठीक है सम, समझ में आई बात कि नहीं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट है पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यही लिखा जाना चाहिए अब देखो अब हेड कितनी बार आया बुक में देखो क्या 455 टाइम्स आया तो तो 0.455 ये चीज हो गई और पी एफ एफ किसे माना था क्या टेल को तो टोटल तो लग... हाँ, हर बार ये लिखना ही है इस पर नंबर करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये नहीं कि हम एक बार लिख दिए तो नहीं और नंबर ऑफ टाइम्स टेल अब जरा देखिए तो अगर हम थाउजेंड टाइम्स हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और 5.45 टाइम्स फाइव टाइम स्टेल अगर किया है तो 0.545 हो जाएगा क्या तो 0.545 हो जाएगा जितने टाइम टेल आए तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है सो so, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है इफ वन इवेंट डज नॉट अकर देन अदर ऑलवेज अकर देन दोज टू इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स सो हां इफ वन इवेंट डज नॉट अकर देन अदर इवेंट Always occurs. Such pair of events are called complementary events. So जैसे कि इफ हेड नहीं आया तो क्या जो टेल सोच के बैठा है उसे ढोल नगाड़े बजाने चाहिए अगर ये कोई ये देखा हेड नहीं आया क्वाइन तो क्योंकि वो अब तो जब हेड नहीं आया तो टेल ही आएगा और क्या आएगा सो कमिंग ऑफ हेड एंड कमिंग ऑफ टेल During tossing a coin are complementary events. Event Its a sum of probability is always one. Its sum of प्रबेबिलिटी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी सम ऑफ समेबिलिटी इज ऑलवेज वन जैसे प्रॉबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रॉबेबिलिटी ऑफ टेल तो निकालो हेड की कितनी आई थी क्या जीरो पॉइंट फोर फाइव फाइव और टेल की कितनी आई थी बताइए जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव इन दोनों को जोड़ लो तो ये जीरो वन कैरी हो गया जीरो वन कैरी हो गया फिर टेन तो जीरो वन 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 आ गया कि नहीं तो इनका सम क्या हो गया वन अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अब इसको हेड कह सकते हैं और टेल को लिख सकते हैं नॉट हेड क्या कह सकते हैं नॉट हेड क्योंकि टेल क्या है टेल नॉट हेड ही तो टेल है या इसे ये लिख सकते हैं हमने हेड को ई इ... अच्छा ये देखो कि कमिंग ऑफ हेड एंड कमिंग ऑफ टेल ड्यूरिंग टॉसिंग ए कॉइन आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो इसका सम हमेशा कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का वन होगा ठीक है तो समझ में आई बात अब जरा देखो कि इसे अगर आपने ई माना है तो इसे ई नॉट माने ई नॉट को ऐसे दिखाते हैं इस चीज को क्या बोलते हैं ई नॉट नॉट ई तो इनका सम हमेशा क्या होगा बताओ वन मेरा कहने का मतलब है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज वन मान लीजिए बारिश के होने के 95 परसेंट चांस हैं तो 95 फाइव बाई हंड्रेड चांस है परसेंट का मतलब क्या समझते हो बताओ परसेंट अभी निकाला था कि नहीं जब वो ब्रोमीन का आइसोटोप का एवरेज मास निकाल तो 95 फाइव बाई हंड्रेड तो उसके 95 फाइव परसेंट को क्या कह सकते हो 95 फाइव बाई हंड्रेड यानी 100 में 95 फाइव चांस है तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ रेन और प्लस क्या बारिश का होना और बारिश का ना होना क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है पूरक घटना हैं नॉट रेन तो माही क्या तुम ये बता सकती हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन वन है बिकॉज देस आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और इसके जीरो पॉइंट नाइन फाइव परसेंट चांस हैं तो बारिश के ना होने के कितने चांस हुए बोलो अब ये हम कैसे बताएं 0 .0. हाँ जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो ऐसा कैसे आया क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन ये तो खैर आपने कर लिया ये अच्छी बात है आपने टोटल कर लिया लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन इट इज़ इक्व टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऐसे ही तो सॉल्व करोगे क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं तो बताओ रेन की कितनी प्रोबेबिलिटी थी 0.95 पॉइंट जब फाइव सब्ट्रैक्ट करोगे वन में से 0.95 तो कितना आएगा तो 0.05 आ जाएगा तो इस तरीके से 0.05 तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या क्या होती हैं ये मुझे बताइए कि डाइस के फेंकने पर इवेंट नंबर का आना एंड ऑड नंबर का आना क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है बोलो यानी जब इवेंट नंबर आएगा तब क्या ऑड नहीं आएगा और इवेंट के ना आने पे ऑड सदैव आएगा तो ठीक है वाइल थ्रोइंग अ डाइस कमिंग ऑफ इवेंट नंबर एंड कमिंग ऑफ ऑड नंबर आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्योंकि एक नहीं आए तो दूसरी श्योर हो तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या ब्लैक हो गई एक मिनट मैं इसको ठीक हो गई ओके ओके अब जरा देखो हमने पहले एक ये बताया था कि मान लीजिए हमने सिक्स अलग अलग नंबर्स आए हमारे उनकी लिस्ट है तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि क्या इनका सम वन है सो वाइल थ्रोइंग ए डाइस तो मान लीजिए नंबर्स आ गए और ज़रा देखो उनके फ्रीक्वेंसी क्या क्या है तो एक मिनट अभी कुछ ठीक हुई क्या देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मान लो आपने डाइस फेंकी ये फाइव आया ये टेन आया ये ट्वेल्व आया ये टेन आया ये एट आया ये फाइव तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्ड नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर अकर्ड नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर या इवेंट है तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं वन थ्री और फाइव तो इनको सबको सम करो वन को और थ्री को और फाइव को और वो ऊपर लिखो तो कितने टाइम आउट देखो ट्वेंटी फाइव आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना आ गया क्या वन बाई टू क्या जीरो पॉइंट फाइव और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर या इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड नंबर भी कह सकते हैं नॉट ऑर्ड तो फिर से वही लिख देंगे टोटल या फिर आपके पास फार्मूला उससे भी कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट नंबर अकर्ड कर्ट इवेंट नंबर केम तो देखो फिफ्टी तो नीचे है और बाकी जो बच गए उनका भी ट्वेंटी फाइव होगा क्या हो गई टेन टेन और फाइव तो कितना आ जाएगा क्या ये भी वन बाई टू आ जाएगा क्या ये ज़ीरो पॉइंट फाइव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो क्या वो वन हो गया है तो इस इससे ये कंफर्म हो गया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है सो सम ऑफ़ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज़ ऑलवेज यूनिटी ये सेंटेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा ठीक है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये आपके बुक में यहाँ दिया है पी ई प्लस पी एफ वन है कि नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो सम होगा वो ऑलवेज़ यूनिटी होगा अब जरा देखो <coughs> इसको लिख लें सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज यूनिटी तो जैसे मैं अनुराग आपसे कहूं कि आपके पास होने के 90 परसेंट चांस हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है पास होने की बोलो 90 परसेंट को फिर 90 बाई हंड्रेड मानो तो 100 टाइम्स अगर एग्ज़ाम देंगे तो 90 टाइम्स पास 0.9 ज़ीरो पॉइंट नाइन बोलो हाँ तो ज़ीरो पॉइंट नाइन हो गई ये 90 बाई हंड्रेड को ज़ीरो पॉइंट नाइन हो गई और तो फिर आपके न पास होने के कितने चांस हुए तो कितना हुआ जीरो पॉइंट वन तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। अच्छा कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये तो हम लोगों ने कह दिया कि इवेंट के होने और इवेंट के ना होने का सम कितना होता है वन बोलो बात समझ में आ गई अच्छा जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है यस yes, तो जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो श्योर sure इवेंट की प्रोबेबिलिटी से हमेशा कम होगी क्योंकि वन किसकी प्रोबेबिलिटी है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो हमेशा होती है और कम से कम कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है जीरो जो कभी ना हो तो वो कौन सी इवेंट कहलाती है माइनस और नहीं होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होती है जो दस बार पासा फेंका और एक बार भी टेल ना आए तो जीरो बाई टेन लिखोगे कि नहीं निगेटिव कहाँ से आ जाएगा बोलो कि दिखाएं एक बार कि याद आ रहा है न दिखाएंगे तो इम्पॉसिबल इवेंट कभी होती ही नहीं है तो उसके न्यूमरेटर में जीरो आएगा कभी हुई नहीं एक बार भी उसके फेवर में आया ही नहीं कुछ तो द प्रॉबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन इट्स मिनिमम वैल्यू इज़ जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ वन सो प्रॉबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन ज़ीरो एंड वन के बीच होती है नाउ अब एक बात और भी कही गई है कि मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है कि जैसे वन का आना टू का आना मन में ये सोच के ना बैठो कि वन आ जाए तो इसकी गोटी को पीट देंगे टू आ जाए तो इसको कर देंगे थ्री आ जाए कोई एक चीज़ सोच के बैठो वन आ जाए टू आ जाए डाइस फेंक रहे हो तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट अगर तुम यहाँ पर ये बात सोचो कि P1 की प्रोबेबिलिटी निकालो P2 की P3 की P4 की P5 और P6 की तो सब एलिमेंट्री इवेंट से क्योंकि तुमने मन में एक चीज़ सोची है एक सैंपल पॉइंट सोचा है ये सब सैंपल पॉइंट्स ही तो हैं ये सब क्या है बताओ सैंपल पॉइंट्स और ये उनकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी तो क्या सबका सम वन आ जाएगा पी वन कितना है क्या फाइव बाई फिफ्टी जरा सोचो तो जरा पी वन कितना आएगा सो so, सही है सो इफ़ देयर आर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स तो सम ऑफ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज यूनिटी अब मैं आपको बता दूं एलिमेंट्री इवेंट्स होती क्या है एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट अगर मान लो कोई कह दे कि सेवन से कम आ जाए तो मेरी बात बन जाए तो क्या उसकी ये इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगी बोलो बताइए द इवेंट विच हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट सैंपल तो बहुत है तो ये नहीं कहलाएगी ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगी क्योंकि वो कहे सेवन से कम आ जाए तो बाद बन जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सबको लेके चल रहा है तो क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है बोलो नहीं ना तो प्रॉबेबिलिटी विच हैज वन सैंपल पॉइंट इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट और सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट जैसे पी वन का आना पी टू का आना पी थ्री डाइस फेंक रहे हैं और पी फोर का आना पी फाइव का आना और पी सिक्स का आना क्योंकि हमारे पास डाइस में छः नंबर है तो मैं सबकी सारी एलिमेंट्री में लूँ सब में एक एक सैम्पल पॉइंट है और देखूँ क्या ये वन आता है अगर वन आ जाएगा तो कह देंगे कि हाँ ठीक है जरा देखो वन का आना क्या फाइव बाई फिफ्टी है चेक करो तो वन के लिए क्या लिखें फाइव बाई फिफ्टी लिख दो तो फाइव बाई फिफ्टी अच्छा टू के आने पे कितना था टेन बाई फिफ्टी और थ्री के आने पे अच्छा फोर के आने पे टेन बाई फिफ्टी और फाइव के आने पे और सिक्स के आने पे फ़ाइव था फाइव बाई फिफ्टी अच्छा नीचे का डिनोमिनेटर तो कॉमन है तो नीचे कॉमन फिफ्टी ले लो और ऊपर अगर सबको सम करोगे तो क्या आएगा बताओ क्या फिफ्टी ही आ जाएगा जोड़ के देख लो सबको जोड़ो तो फिफ्टी बाई फिफ्टी तो क्या वन आ गया बोलो तो सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इन ए ट्रायल इज यूनिटी तो क्या आया बताओ यूनिटी ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है तो हम इसे अगला सवाल जो है इसी पर बेस्ड है तो हम इसको करने वाले हैं पहले ये लिख लें फिर करेंगे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज यूनिटी यानी अगर मान लो हमारे पास पी ई वन है पी ई टू है पी ई थ्री है और ऐसे लेकर पी ई सिक्स है तो यूनिटी है और किसी बैग में तीन ही कलर की बॉल है तब क्या होगा इफ अ बैग कंटेन्स थ्री कलर्ड बॉल तो उन्हीं तीनों का सम हो जाएगा अब जरा देखो एग्जाम्पल टू देखो टू कॉइंस और टॉस जो साइमल्टेनियसली अगर मान लो दो कॉइन टॉस किए गए तो दो कॉइन टॉस करने पे आपके पास बहुत सारे सैंपल स्पेस बनेगा सैंपल स्पेस क्या बनेगा सैंपल स्पेस कहलाता है एस इसमें या तो आपके दोनों में हेड हेड आ जाए एक साथ हेड है आ जाए दो पॉइंट फेंक रहे हो पहले में हेड और दूसरे में टेल या पहले में टेल और दूसरे में हेड और या दोनों में टेल यही सब चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं अगर देखा जाए कि ये सब सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं अगर दो पॉइंट फेंकोगे दोनों में हेड आ सकता है दोनों में टेल आ सकता है और या फिर आ, एक हेड और एक टेड इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो तो अब ये टू हेड कितनी बार आया और उन्होंने कितनी बार फेंका तो ट्रायल्स कितनी बार किए फाइव हंड्रेड टाइम्स देख लो फाइव हंड्रेड टाइम्स लिखा है ऊपर में तो टू है टू हेड्स कितनी बार आए वन हंड्रेड वन हंड्रेड फाइव टाइम्स और वन हेड वन हेड का मतलब वन टेल भी होता है क्या देखो वन हेड बोल रहे हो तो वन हेड का मतलब है कि वन टेल भी यही तो है वन हेड तो 275 क्योंकि इसके फेवर में दो सैंपल पॉइंट्स हैं तो इसलिए ये ज़्यादा बार आएगा अच्छा नो हेड किससे मतलब है नो हेड वाला कौन सा है क्या ये है नो हेड ये नो हेड है ये क्या है वन हेड है तो इसके यानी दो टी यानी के कितने अकड़े हुए इवेंट अकर्ड इतने टाइम्स इतनी सारी चीजें दी हैं इस चीज़ को हम ई वन मान लें इस चीज को ई टू मान लें और इस चीज़ को ई थ्री मान लें बुक भी ऐसा मानती है तो ऐसे हम भी मान लें तो पी ई वन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स सो नंबर ऑफ टाइम्स इवन अकर्ड कितनी बार इवन इवेंट अकड़ हुई है तो 500 टाइम्स तो हमने फेंका था पॉइंट को टॉस किया है प्वाइंट टॉस की जाती है और डाइस थ्रो की जाती है ठीक है तो अब कितनी बार टू हेड आए क्या वन हंड्रेड फाइव टाइम वन हंड्रेड फाइव टाइम्स आ गए अगर मैं इसको फाइव से डिवाइड करूँ तो फाइव टू या टेन और फाइव वन या फाइव और नीचे हंड्रेड तो क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू वन अब देखो कि पी ई टू पी ई टू क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ टाइम्स E2 टू अकर्ड तो 500 टाइम्स अगर हमने ट्रायल किए और 275 है फाइव से कट करो 100 आ गया और फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव और फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव तो क्या ये 0.55 आया पी ई थ्री ठीक है पी ई थ्री क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ टाइम्स E3 थ्री अकर्ड तो हमने तो ट्रायल्स 500 हंड्रेड टाइम्स किए लेकिन एक सौ बीस बार ही नो no टेल आया नो नो हेड आया नो no हेड का मतलब क्या होता है क्या टू टेल फाइव से कट करो तो फाइव से कट करोगे तो फाइव टू जो टन फाइव फोर जो ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो जीरो पॉइंट टू फोर यही हमें बताना था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट देखो सारे सवाल में तो यही सब कुछ ही करना है अब जरा देखिए एग्जाम्पल थ्री एग्जाम्पल थ्री में कहा गया है कि एडाई थ्रोन एक पासे को एक हजार बार फेंका गया और उसका एक टेबल बनाया गया कि आउटकम क्या आया है तो और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो वन जो है वन सेवेंटी नाइन टाइम्स सक्र किया है टू वन फिफ्टी टाइम्स थ्री वन फिफ्टी सेवन फोर वन फोर्टी नाइन फाइव वन सेवेंटी फाइव एंड सिक्स वन नाइंटी ऐसे हैं तो फाइंड द प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम तो अब आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवन ई टू लिखो नहीं तो सीधा लिख सकते हो कि कमिंग ऑफ वन ऐसा चलता है खूब बच्चे भी खूब लिखते हैं इवन ई टू करके कौन पहले ई वन ई टू लिखो फिर उसके बाद सब कुछ लिखो ऐसे करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे टोटल कितने हो गए थे एक हजार सो so, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स वन अकर्ड तो नंबर ऑफ टाइम्स वन सेवेंटी नाइन अपॉन थाउजेंड कर लोगे तो क्या जीरो पॉइंट वन नाइन आ जाएगा बोलो ठीक है जैसे मैंने कमिंग ऑफ वन किया है क्या उसी तरीके से बाकी का भी आप कर लोगे हम्म भाई कमिंग ऑफ वन ये हो गया कमिंग ऑफ वन हो गया तो कमिंग ऑफ टू कैसे निकालोगे तो कम कमिंग ऑफ टू के लिए क्या कर देना वन फिफ्टी बाई पूरी बात लिख के वन थाउजेंड लिख देना तो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो और कमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री क्या हो जाएगा देख लो वन फिफ्टी सेवन बाई वन थाउजेंड क्या ज़ीरो पॉइंट वन फाइव सेवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर क्या हो जाएगा फोर कितनी बार आया है फोर आया है वन फोटी नाइन तो क्या ये ज़ीरो पॉइंट वन फोर नाइन आ गया ये आ गया अब जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ फाइव तो वन और वन सेवेंटी फाइव टाइम्स आया है तो ज़ीरो पॉइंट वन सेवन फाइव और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ सिक्स तो वो भी एक हज़ार में वन नाइन्टी टाइम्स आया है तो ज़ीरो पॉइंट वन नाइन ज़ीरो क्या ये सारी इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिसमें सिर्फ एक एक सैंपल पॉइंट है बताओ सब सिंपल सिंपल इवेंट है सो दीज इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट्स जैसे दो ऐसी इवेंट कि एक के ना आने पे दूसरी अवश्य आए मान लो जैसे तुम सोच के बैठी हो कि वन आए और प्रार्थना सोच के बैठी है टू आए और वन नहीं आया तो क्या प्रार्थना को ढोल नताशे बजाने लगना चाहिए कि नहीं तुम वन भाई तुम वन सोच के बैठी हो ए, एक दाइस, एक डाइस पे एक डाइस की तुम वन सोच के बैठी हो और प्रार्थना टू सोच के बैठी है और पासा फेंका गया है तो अब आ, कार्तिक ने बोल दिया वन नहीं आया तो क्या प्रार्थना आप खुश हो जाए ढोल नताशे बजाएं कि न बजाए न बजाए क्योंकि थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है ऐसा तो नहीं है कि एक के ना आने पे दूसरा अवश्य आया हो क्योंकि वहाँ तो छः छः इवेंट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पेयर में होती हैं एक के ना होने पे दूसरी अवश्य होती है समझ में आई बात कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में जैसे हमने यून नंबर और ऑड नंबर करके कर लिया दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है एक नहीं आया तो दूसरा जरूर आता है समझ में आ गई बात कि नहीं ठीक है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एक साथ कभी अकड़ नहीं करती जैसे कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हेड और टेल एक साथ आ जाए तो वो एक साथ अकड़ नहीं करती एक के ना होने पर दूसरी अवश्य होती है बोलो बात समझ में आई और दोनों का सम यूनिटी होता है क्या हेड और टेल में ऐसा है दोनों एक साथ कभी अकर कर सकती है मैं उसको लिखा दूंगा अभी दोनों कभी एक साथ नहीं होगी एक नहीं होगी तो दूसरी जरूर होगी और दोनों का सम वन होगा बोलो बात समझ में आ गई दीज इवेंट्स आर इन इवेंट्स को क्या कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स क्यों एलिमेंट्री इवेंट्स कहेंगे क्या सब में एक एक सैंपल पॉइंट है तो P1 वन प्लस पी और प्लस P3 और एलिमेंट्री इवेंट्स का सम क्या होता है क्या वन होता है सारी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कर दो तो P4 फोर प्लस पी और प्लस P6 तो क्या आएगा P1 कितना आ गया था 0.179 पॉइंट वन सेवन नाइन प्लस ज़ीरो पॉइंट वन फाइव ज़ीरो प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन प्लस ज़ीरो पॉइंट वन फोर नाइन प्लस ज़ीरो पॉइंट वन सेवन फाइव और प्लस जीरो पॉइंट वन नाइन जीरो अगर इनको सम करोगे तो वन आ जाएगा क्योंकि इन वन सेवेंटी नाइन वन फिफ्टी वन फिफ्टी सेवन ये सब मिला के कितने थे क्या एक हज़ार नहीं थे तो एक हज़ार बटे एक हज़ार करोगे तो वन नहीं आ जाएगा समझ में आ गई बात कि नहीं तो एलिमेंट सम ऑफ समलीमेंट्री इवेंट इज़ यूनिटी यहाँ क्या लिखा जा सकता है कि सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एलिमेंट्री इवेंट में सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होता है इज यूनिटी अगर कोई ये सोच के बैठा है कि हेड या टेल आ जाए या सेवन से कम आ जाए तब एलिमेंट्री इवेंट नहीं कही जाएगी अब जरा फीचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देख लो फीचर ऑफ कॉम्प्ली मेंट्री इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता पूरक है पूरक घटनाएँ जो एक साथ ना घटें तो पहली चीज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स डू नॉट अकर टूगेदर साइमल्टेनियसली नहीं होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स Do not occur together. जैसे मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आप कहोगे कि कभी भी ये दो इवेंट एक साथ नहीं होंगी दो बच्चे सोच के बैठे हैं डाइस फेंकने में एक कहता है इवेंट नंबर आ जाए और दूसरा सोच के बैठा है कि आ, मेरे में लेस देन फोर आ जाए मान लीजिए टू आ गया इफ़ टू कम्स तो क्या दोनों की इच्छा पूरी हो गई देखो मान लीजिए यहां पे क्योंकि फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं हुई अगर दो दो लोगों की इच्छा एक साथ पूरी हो गई तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं कह जाएगी एक का एक का अगर डिजायर पूरा हो तो दूसरे का कभी पूरा ना हो समझ में आ गई बात कि नहीं तब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो तो इसको कहते हैं दैट इज ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इसको कुछ नहीं बोलेंगे ये एलिमेंट्री में हर एक में एक ही सैंपल पॉइंट होता है तो अगर मान लो मैं आपसे कह, कहता कि वन और या टू के आने की संभावना तो क्या इन दोनों को जोड़ ना देते तब वो कंपाउंड इवेंट होती है सो द इवेंट विच हैज़ मोर देन वन सैंपल पॉइंट इस कॉल्ड कंपाउंड इवेंट कोई कह दे वन टू या थ्री आ जाए तुम हाँ बोलो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जिसमें सिर्फ पेयर ऑफ इवेंट्स होती हैं दो इवेंट होती हैं और एलिमेंट्री में तो छह छह भी हो सकती हैं ठीक है कि नहीं जैसे आपने डाइस फेंकी तो सब वन का आना टू का दोनों में एलिमेंट्री सारी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम वन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम भी वन होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट डू नॉट अकर टूगेदर और इसके अलावा दूसरी चीज क्या है इफ वन इवेंट डज नॉट अकर देन अदर ऑलवेज अकर क्या ऐसा एलिमेंट्री इवेंट्स में होगा वन नहीं आएगा तो क्या टू सदैव आएगा बोलो इफ वन इवेंट डज नॉट अकर देन अदर ऑलवेज अकर और तीसरी चीज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पी ई एंड पी नॉट ई इज यूनिटी सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज यूनिटी बोलो बात समझ में आई इवेंट इज यूनिटी अभी आपको इतना सोचना नहीं है जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ आपकी समझ बढ़ेगी अभी तो मैं बता रहा हूँ उस समय याद आएगा और क्वेश्चन भी आएगा तो मैं रिफर कर दूंगा तो बात समझ में आ जाएगी बस इसको अच्छे से पढ़ लेना जो आज थ्योरी बताई गई है इतनी थ्योरी में चैप्टर चल जाएगा समझ में आई बात ओके okay. संडे को टेस्ट लेंगे जहाँ तक हम रिटर्न टेस्ट लेंगे हाँ साइंस और मैथ दोनों करेंगे रिटर्न टेस्ट जैसे होता था ओके वेलकम बेटा ओके वेलकम